हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आपने जैसे हमारा थंबनेल देखा तो आपको हम बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जो आपने तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको सभी को पता है कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि उसमें आपको ये बताया था कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी होता है उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था। और आप दोस्तों को सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने हमारी पीछे जो पहले हमने वीडियो बनाई थी अगर वो आपने नहीं देखी तो आप हमारे इलेक्ट्रिकल माइंड चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल माइंड चैनल है वहां पे हम सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से और हम अपनी भाषा के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, उनको टेस्टिंग की क्या मेथड होता है और उसकी बेसिक नॉलेज क्या होती है। तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल माइंड पे एक वो तरीका बताते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको जब हम प्रैक्टिकल बताएं, प्रैक्टिकल बताते टाइम आपको वो सब बातें याद रहे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको वो उस वीडियो में बताते हैं। तो आप हमारे इलेक्ट्रिकल माइंड पे जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी उसका वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। तो जो हमारा एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैनल है तो दोस्तों यहाँ पर हम जो वीडियो डालते हैं, जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर फ्रिज होता है, इन्वर्टर पीसीबी होती है, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होती है, तो और जो नॉन इन्वर्टर प्रोडक्ट होते हैं और काफी सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीजें हैं, फिर भी हम सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी हो गया, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फ्रिज हो गया। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जोर हम इन्हीं चीजों पर दे रहे हैं ताकि आने वाली जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो दोस्तों उस चीज को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको यूट्यूब पे ये वीडियो बहुत ही कम मिलेंगी, इसलिए हमने ये सोचा कि आप दोस्तों को हम ये सब चीजें बताएं। तो प्लीज इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा इलेक्ट्रिकल माइंड और एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। इलेक्ट्रिकल माइंड पे आपको वीडियो मिलेगी बताने की, समझाने की, और एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड पे मिलेगी आपको पूरा प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन पे है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। आज इसकी कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, ठीक है। आपको पहले हमने इन्वर्टर एसी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले दोस्तों इसका रहता है मेन पीसीबी बोर्ड, आप देखेंगे ये वाला होता है मेन पीसीबी बोर्ड। इसके अंदर प्लस दूसरी होती है डीसी मोटर, ठीक है दोस्तों। प्लस इसके अंदर तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट लगा होता है वो होती है वायरिंग। उसके बाद आता है हमारा ड्रेन मोटर। तो काफी अभी क्या है, पहले सब एसी वोल्ट होता था, अब सभी दोस्तों डीसी कर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे ये ड्रेन मोटर डीसी होती है और ये वाली मोटर देखेंगे ये भी डीसी होती है। प्लस आप देखेंगे ये जो पीसीबी देख रहे हैं इसके अंदर पहले नॉर्मली क्या था, एसी वोल्ट पे चलती थी मोटर, सिंपली पीसीबी होती थी। अब इनके अंदर आईपीएम लगा दिया गया है जो कि एक माइंड होता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, जो कि हमारी लाइट को भी बचाता है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों काम करने की। तो चलिए आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा ये वाला पीसीबी बोर्ड जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होता है नॉर्मली। और इस पीसीबी बोर्ड को हम कैसे टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए यूवीडब्ल्यू टेस्टर, जो कि आप सभी को पता कि हमारे इन्वर्टर एसी में यूज होता है यूवीडब्ल्यू टेस्टर। तो सबसे पहले आपको यूवीडब्ल्यू टेस्टर चाहिएगा, आप देख सकते हैं ये वाला। और प्लस आपको इसके अंदर चाहिएगा एक मल्टीमीटर जिसके अंदर डीसी वोल्ट 1000 वोल्टेज और एसी वोल्ट 1000 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर दो ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जो आपके पास वोल्टमीटर होगा, ठीक है। प्लस और उसमें जो भी फंक्शन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लस एक और चाहिए हमें इसके अंदर कंटिन्यूटी, आप कोई भी ऐसा मल्टीमीटर ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा क्लैंप मीटर ले सकते हैं जिसके अंदर ये सभी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उससे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पीसीबी बोर्ड है लगाइए, हमारा पीसीबी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, हम जैसे कस्टमर के घर गए और वॉशिंग मशीन हमें चेक करनी है तो सबसे पहले हम प्लग के अंदर 220 वोल्टेज चेक करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो, अगर उसके बाद भी हमारा पीसीबी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, फिर प्लस हम जो हमारी मेन ये केबल होती है वॉशिंग मशीन की वो देखेंगे उसमें कौन सा कलर कोड दे रखा है, ठीक है। वो कलर कोड हम पीसीबी में आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वो कलर कोड की वायरें कहाँ पे आ रही है। प्लस ये देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, अगर वो आपको कलर कोड नहीं मिलता तो आपको करना क्या है, जो मेन लीड होती है वहां पे हमारी जो वायर्स होती है वहां पे आपको मल्टीमीटर लगाना है, ठीक है, प्रोप लगानी है। एक प्रोप लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पीसीबी पे जैक निकाल लेने हैं सारे पीसीबी से ऐसे। उसके बाद क्या करना है, पीसीबी से जैक निकालने के बाद वहां पे आपको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है कौन सी वायर में कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, वो आपकी मेन वायर हो जाएगी। फिर दूसरे वाली वायर पे लगा के ऐसे कंटिन्यूटी चेक करना है बोर्ड में, ठीक है। तो जहां पे आपकी कंटिन्यूटी आती है वो आपकी 220 वोल्ट की वायर होगी। अगर आप वहां पे फिर उसे
अपने वायर आइडेंटिफाई होगी, आप उसे मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, प्लग को 220 वोल्टेज में लगा देना है, ठीक है, आपको ऐसे प्लग 220 वोल्टेज में लगा देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वहां पे मल्टीमीटर से ऐसे 220 वोल्टेज वहां पे चेक करेंगे। अगर आपकी पीसीबी पे 220 वोल्टेज आ रही है और आपकी पीसीबी ऑन नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारी पीसीबी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या कहीं से ब्लास्टेड हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप चेकिंग करेंगे कि उसका जो फ्यूज लगाता है पीसीबी के अंदर, कहीं पीसीबी के अंदर फ्यूज नहीं आता, वो फ्यूज आप चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा पीसीबी पे बिल्कुल क्लियर से वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, जो हमारी पीसीबी होती है नॉर्मली, उसके अंदर क्या आता है, हमारा तीन पिन वाला जैक होता है, जिसके अंदर हमारा फेस, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा फेस रहेगा, दो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, मतलब एक कॉमन वायर रहेगा, जो कि पीसीबी के अंदर तीन जैक लगे होते हैं, व्हाइट कलर का, कभी किसी किसी में अलग कलर का भी होता है, और कई में कॉमन अलग से भी होती है। तो मोस्टली जो पीसीबी आती है उनमें क्या होता है, तीन जैक वाला होता है, जिसमें मेन सप्लाई जाती है वो व्हाइट कलर का होता है सबसे मोस्टली सभी पीसीबीयों में। तो उसमें क्या रहेगा कि तीन जैक होंगे, एक हमारा फेस रहेगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, और ये भी न्यूट्रल रहता है। इसके अंदर क्या आता है, जो पीसीबी के नीचे से प्रिंट होते हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, एक ही न्यूट्रल बना देती है, ताकि हमें जो वायरिंग हमारी मेन सप्लाई से आ रही है उसको बीच में से कहीं कट ना करना पड़े। तो वो क्या करते हैं, फेस डायरेक्ट दे देते हैं, न्यूट्रल भी डायरेक्ट दे देते हैं, जो न्यूट्रल यहां से उठाते हैं तो वो इंटरनली सभी में घुमा दिया जाता है। ये होता है हमारा एसी वोल्ट की पीसीबी का, ना कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का। अभी जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की पीसीबी आई है उनमें सारा सिस्टम डीसी होता है, उनके लिए अलग अलग डीसी वोल्ट की वायर जारी होती है, जैसे एक हमारा नेगेटिव एक पॉजिटिव का, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो कॉमन ही होता सबका, उसमें अलग अलग होता है, ठीक है, डीसी में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पीसीबी चेक कर लेनी है बिल्कुल ओके होने के बाद, मतलब आपके 220 वोल्ट है, उसके बाद तो पीसीबी फोल्टेड, आप पीसीबी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन बचता है कि हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो रही है पर चल नहीं रही, कोई एरर कर रही है। दोस्तों अगर पीसीबी आपकी एरर कर रही है आप क्या करेंगे, आप कमेंट में बताइए हमें। पीसीबी अगर आपकी एरर कर रही है, बिल्कुल अच्छे से एरर आ रहा है और वॉशिंग मशीन ऑन हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कमेंट में बता के जाइएगा जरा, और मैं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भी उसके अंदर डीसी कंपोनेंट लगा है, एरर ढूंढने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी उसके अंदर डीसी कंपोनेंट लगा है, लगा कर चलिए सोलेनोइड वाल्व, ठीक है, उसके बाद हमारी होती है ड्रेन मोटर, ठीक है, उसके बाद होती है हमारी डीसी मोटर जो हमारे ड्रम को घुमाती है, और स्पिन मोड पे भी वाश मोड पे पल्सेटर को घुमाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को चेक करना है। अगर आपके पास चेकिंग के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी रखेंगे, उसके अंदर आप बैटरी बना सकते हैं 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, वो आपको बनानी है लिथियम आयरन से बना सकते हैं आप, उसके अंदर आप अलग अलग वायर्स निकाल सकते हैं 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। तो आपको नॉर्मली 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की बैटरी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने मल्टीमीटर से चेकिंग कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त इस लाइन में नए हैं या उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे बैटरी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे कोई भी कंपोनेंट, जैसे आपको सोलेनोइड वाल्व चेक करना, ठीक है, तो सोलेनोइड वाल्व के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है कि इसके कितने होम्स होते हैं, ठीक है, उसके होम्स उसके ऊपर लिखे होते हैं कि आप कंटिन्यूटी करोगे तो इसके होम्स कैसे कितने आएंगे, कि जैसे आप देखेंगे कि कोई ट्रांजिस्टर होता है तो जब उसकी हम डाटा शीट निकालते हैं तो उसमें बकायदा उसके लिखे होते हैं कि इसके हम जैसे एनपीएन के अगर हम राइट साइड में चेक करेंगे या लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो इसके कितने होम्स आने चाहिए अगर ये ओके क्वालिटी का है, मतलब ओके है तो खराब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही उनका होम्स होता है क्योंकि उसके अंदर इंटरनली एक कॉपर की कॉइल बनी होती है, ये आप जैसे देखेंगे उसके अंदर कॉपर की कॉइल बनी होती है। तो ऐसे आपको सोलेनोइड वाल्व का भी आपको होम्स में चेक करना होता है, अगर उसमें वैल्यू नहीं आ रही आपकी कंटिन्यूटी में तो समझिए आपका सोलेनोइड वाल्व खराब है। प्लस फिर आते हैं हम ड्रेन मोटर पे, ऐसी होती है आपकी ड्रेन मोटर, डीसी भी सेम ऐसी ही रहेगी और एसी भी ऐसी ही रहेगी। आपको ड्रेन मोटर को क्या करना है, सिंपली ड्रेन मोटर पे भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। कैसे चेक करनी है, वो भी आपको मल्टीमीटर लेना है ऐसा, सिंपली इसको कंटिन्यूटी मोड पे करके कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये सभी को मेथड पता है। और डीसी की मैं सबसे ज्यादा आपको खास बात बताता हूं, डीसी में कंटिन्यूटी कभी नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसमें सिर्फ वैल्यू शो करेगी, ठीक है, क्योंकि वो डीसी वोल्ट का होता है, उसके अंदर काफी पतले वायर होते हैं और उसमें कंटिन्यूटी कम आती है। तो ये होता है हमारा ड्रेन मोटर चेकिंग करने का। दूसरी बात, प्लस हमारी आती है थ्री फेस मोटर, जो हमारी डीसी मोटर लगी होती है अपनी वॉशिंग के लिए और स्पिन मोड पे,
ठीक है, जो घूमती है और पूरे सिस्टम को चलाती है दोस्तों, उसको आप कैसे चेकिंग करेंगे, उसके लिए मैंने आप सभी को बताया कि एक UVW टेस्टर आता है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। आप मल्टीमीटर को 600 वोल्टेज एसी पे करेंगे, आप एक प्रोप लगाएंगे अपने, आप यहां देखिए एक प्रोप लगानी है आपको एक वायर पे, जैसे हमारे तीन वायर होते हैं, एक वायर पे हम आप मल्टीमीटर की प्रोप लगाएंगे, दूसरी यहां लगाएंगे, ठीक है, और मोटर को हाथ से घुमाएंगे दोस्तों। अगर हाथ से घुमाते हैं और हमारा मल्टीमीटर के अंदर एसी वोल्टेज आते हैं, तीनों फेस पे एसी वोल्टेज आते हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, तो इसका मतलब आपका एसी वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारी वो मोटर ओके है। अगर आपकी वो मोटर एसी वोल्टेज पैदा नहीं करती, एसी वोल्टेज नहीं बनते, तो उसके मतलब ये है कि आपकी मोटर वो खराब है, ठीक है। प्लस उसके आप अर्थिंग भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा बचता है दोस्तों एक मॉड्यूल, जो हमारे पास आपको मॉड्यूल मिल जाएगा जिससे कि आप मोटर को डायरेक्ट चला सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पीसीबी फॉल्टेड होती है तो मैंने आपको बताया वो भी कैसे आपको चेकिंग करना है, ठीक है। 220 वोल्ट जा रहे हैं तो पीसीबी आपकी नहीं चल रही, तो इसका मतलब आपकी पीसीबी खराब है। प्लस आपको हम मैंने सोलेनोइड वाल्व के भी बारे में बता दिया है, उसके बाद बताया मैंने आपको ड्रेन मोटर के बारे में। अब हमारा दोस्तों आता है प्रेशर टेस्ट सेंसर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि वाटर लेवल सेंसर, प्रेशर टेस्ट सेंसर, और जो भी अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। तो ये होता है हमारा प्रेशर टेस्ट सेंसर, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इसे चेक करने का मेथड ये है दोस्तों, इसकी जो राइट साइड की वायर होती है और बीच की जो ग्राउंड होती है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी आपको मैं बता देता हूं, ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर कॉइल होती है, इसके अंदर इंटरनली कॉपर की कॉइल बनी होती है, प्लस इसमें दो कैपेसिटर लगे होते हैं बीच में ग्राउंड देकर के, ऐसे दो कैपेसिटर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जब हम वोल्टेज चेक करेंगे, इसका इसको चेकिंग करने का एक ही मेथड है, इसे चेक करें, सॉरी दोस्तों इसे चेक करने का नहीं, कि हमारा जो पीसीबी पे, पीसीबी से जो वोल्टेज आउट होते हैं और प्रेशर सेंसर की तरफ जाते हैं, उनको आप चेक करेंगे कैसे करेंगे। आप प्रेशर सेंसर को ऐसे लीजिए और उसको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में पहली वायर होती है और बीच की ग्राउंड होती है, वहां पे 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आते हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कहूंगा कि 2 से 5 तक ही आएंगे, हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, मतलब 2.5 वोल्ट तो मिनिमम है, 2.5 वोल्ट तो आए ही आएंगे। तो आपको दोस्तों ऐसे प्रेशर टेस्ट सेंसर चेक करना है, वहां पे वोल्टेज आ रहे हैं और आपका फिर भी प्रेशर टेस्ट सेंसर का एरर आ रहा है, तो आपको प्रेशर टेस्ट सेंसर खराब है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रेशर टेस्ट सेंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप इसके नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई कंटिन्यूटी या इसकी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर सिस्टम होता है ये, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे कि हमारी आईसी को फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिससे कि वो आगे माइक्रो कंट्रोलर को देती है, जिससे उसे पता चलता है कि टैंक में कितना पानी है, ठीक है। तो ये एयर प्रेशर के साथ काम करता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैनल पे, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल सामने करके दिखाएंगे आपको। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड को, और इलेक्ट्रिकल माइंड को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए करते हैं ये सब। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।